अजमेर में महाशिवरात्रि के पर्व पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भगवान भोलेनाथ के भक्त आज पुष्कर रोड स्थित निजी अस्पताल पहुंचे। झरनेश्वर महादेव मंदिर समिति और मीडिया क्लब अजमेर की ओर से ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त रक्तदान करने पहुंचे। इस रक्तदान में 100 से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। ये रक्त दुर्घटना के साथ ही गंभीर अवस्था में भर्ती होने वाले मरीजों के काम आएगा, जिससे उनकी जिंदगी बच सकेगी। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा हर साल महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। ये पूरे राजस्थान में एक ऐसा त्यौहार है जो शिवरात्रि के ऊपर श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा अजमेर में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अंतर्गत सेवा भाव के रूप में सबसे पहले इसकी शुरुआत ब्लड डोनेशन कैंप से की जाती है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कोई ब्लड की समस्या होती है और कोई उसके पास में देने वाला नहीं होता है तो संस्था संपर्क करके ब्लड उसको संस्था बिना डोनर के उपलब्ध करा देती है। इसी संदर्भ में हमने इस साल तीन तारीख है रविवार को, आज हमने 3 मार्च को ब्लड डोनेशन कैंप मित्तल हॉस्पिटल अजमेर में मीडिया क्लब अजमेर के साथ में लगाया है। इसके अंदर लगभग हमने 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, जो भी यूनिट्स हो सकती है उन यूनिट्स को हम रक्तदान शिविर के अंदर लेंगे। जो हमारे पास में काम आती है उसको हम पूरे 3-4-5 महीने तक काम में लेते हैं। बाकी जो यूनिट बचती है उसको हम थैलेसीमिया के बच्चों को भी डोनेट कर देते हैं। इसी के अंतर्गत संस्था द्वारा कई कार्यक्रम कराए जाते हैं। झरनेश्वर के अंदर 5 दिवसीय कार्यक्रम इस बार रखे गए हैं विशेष रूप से, जिसके अंदर आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। कल 4 तारीख सोमवार को झरनेश्वर महादेव मंदिर के अंदर ध्वजारोहण करके शाम को गणेश निमंत्रण हेतु रघुनाथ जी मंदिर से गणेश जी मंदिर आगरा गेट तक की एक निमंत्रण यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद में मंगलवार को मेहंदी हल्दी का प्रोग्राम महादेव के रखा गया है, जो हर साल रखा जाता है। इस बार उसको विस्तृत रूप से, जिसके अंदर महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया है, महिलाएं भी चुनरी की साड़ी में बढ़िया पहन लिया है। इसी तरह से बुधवार को विशेष अभिषेक के रूप में गणेश जी का विशेष अभिषेक रखा गया है झरनेश्वर महादेव में। 7 तारीख जो हमेशा जागरण का पूरे साल इंतजार रहता है सारे शहरवासियों को, उसके अंदर बाहर के कलाकारों द्वारा रात्रि जागरण रहेगा, भजन संध्या रहेगी जो शाम को 9 बजे चालू होगी, 6 बजे श्रृंगार होगा, 3 घंटे महादेव का पूर्ण रूप से। सुबह 4 बजे 5 बजे आरती की जाएगी। उसके बाद 8 तारीख को पूरे दिन महादेव का अभिषेक चलता रहेगा भक्तों द्वारा। जो भी अपनी वस्तु लाना चाहे, भक्त लोग इसके पास में आते हैं, महादेव से अपनी अरदास लगाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, व्रत करते हैं, वास करते हैं, उपवास करते हैं। विशेष रूप से पूरा राजस्थान में ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव को प्रिय जो ठंडाई का प्रसाद होता है वो भक्तों को सर्वे के द्वारा वितरित किया जाता है।